सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया बिहार का मुद्दा। क्या जाति जनगणना पर लगेगी रोक? क्या बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी? बिहार में जाति आधारित जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उच्चतम न्यायालय जाति आधारित जनगणना कराने की बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। दरअसल बिहार सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जिक्र है कि बिहार सरकार का फैसला अवैध, मनमाना, तर्कहीन, असंवैधानिक है। दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जातीय नहीं, जातिगत सर्वे कराया जा रहा है। तेजस्वी यादव के मुताबिक जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है, राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। बिहार में जातिगत सर्वे कराया जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम के मुताबिक जातिगत सर्वे से राज्य के विकास को गति मिलेगी। ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधार गणना, और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती है। इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस्ड सर्वे है, और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस्ड सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो हैं किस हालात में हैं। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा, तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है, और कई राज्यों ने तो पहले कराया था, और हम लोग जो हैं उत्तर भारत में पहली बार, आप समझिए जो 32 के बाद जो है, 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है, तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे। बता दें कि बिहार सरकार के एजेंडे में जाति आधारित गणना शामिल है। राज्य सरकार के मुताबिक जातियों की गिनती का काम दो फेज में पूरा किया जाएगा। इस काम में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जातिगत जनगणना सभी 38 जिलों में होनी है। नीतीश कुमार की सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। इसके लिए दो बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कराया गया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार फैसले के खिलाफ नाराजगी जताती रही है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर जातिगत जनगणना नहीं कराने की बात कह चुकी है। इन सब के बीच बिहार में जाति आधारित जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर 13 जनवरी को सुनवाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।